गोल्डन स्पून के साथ पैदा हुए हैं। खेल भी आपने ऐसा चुना जैसे अमीरों का खेल माना जाता है। विभाग आपको दोनों ऐसे मिले कि जो बिल्कुल गरीब तबके के विभाग हैं, कैसे आप बैलेंस करोगे इन सब चीजों को? चैलेंज है, ठीक है, आई एम टेकिंग इट अप एज अ चैलेंज कि भाई ठीक है, मुझे पशुपालन में बहुत ज़्यादा नॉलेज नहीं है, बहुत ज़्यादा मेरा इंटरेस्ट की फील नहीं थी, लेकिन यस आई एम वर्किंग हार्ड टुवर्ड्स इट। मैं आंकड़े देख रहा था, गन्ना किसानों का 231 करोड़ रुपया बकाया है, अकेले इकबालपुर चीनी मिल पर ही लगभग 180 करोड़ रुपए का। मैं आपको बता रहा हूँ, क्या 14 दिन में भुगतान करेंगे आपकी सरकार? नहीं, मैं आपको उस भुगतान पे भी बता रहा हूँ। क्या 14 दिनों में हम मान ले कि सौरभ बावरा जी करके दिखाएंगे, इतिहास रख देंगे? मैं देखिए, कोई आपके चैनल पे कोई गलत स्टेटमेंट दे दूँ, कोई ऐसा होप दे दूँ, वो गलत है। नमस्कार, आप देख रहे हैं दो कदम, मैं हूं आपके साथ तिलक चावला और मेरे साथ है मेरे सहयोगी हरीश जसवाल। आज बात होगी उत्तराखंड के एक ऐसी शख्सियत की जो इस वक्त उत्तराखंड की सियासत में एक जाना पहचाना नाम हो गया, लेकिन युवा राजनेता के तौर पर उन्हें अब देखा जा रहा है, भविष्य की राजनीति उनमें देखी जा रही है। कौन है वो चेहरा और कौन है वो शख्सियत जिस पर उत्तराखंड की निगाहें हैं कुछ नया करने की? हमारे साथ है इस वक्त पूर्व मुख्यमंत्री विजय बोगुणा के सुपुत्र और सौरभ बोगुणा हमारे साथ है, जो इनको मंत्रालय भी मिला। सबसे पहले सौरभ जी, नई जिम्मेदारी के लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद सौरभ जी। शुरुआत करते हैं, कुछ खट्टे कुछ मीठे सवाल होंगे, और क्योंकि आप युवा हैं, उम्मीदें हैं लोगों की, कभी सोचा था कि मंत्री बनूंगा? नहीं, मैंने कभी यही नहीं सोचा था कि मैं राजनीति करूंगा, क्योंकि मैं स्टार्टिंग से खिलाड़ी आदमी रहा हूं। मैं खेल पे ज़्यादा मेरा फोकस रहा, इंटरेस्ट रहा, गोल्फ का खिलाड़ी था, देश को रिप्रेजेंट किया, लगभग 22 से 25 देशों में मैंने इंडिया को रिप्रेजेंट किया। उसके बाद ONGC में नौकरी करी, 17 साल नौकरी में रहा ONGC में। और 2012 में जब पिताजी को, हमेशा साल में कभी, जब पिताजी 5 साल में चुनाव लड़ते थे, एक बार एक महीने के लिए आता था बस उनको चुनाव लड़ाने के लिए और वापस चला जाता था। लेकिन जब 12 में पिताजी चुनाव लड़े मुख्यमंत्री बन के, तो सितारगंज, क्योंकि मैंने उनको चुनाव लड़ाया और पिताजी अपने समय नहीं दे पाए सितारगंज को मुख्यमंत्री रहते हुए, तो कहीं ना कहीं मुझे लगा मेरी जिम्मेदारी है कि जो वादे पब्लिक से किए थे उसको निभाने का समय है। तो 5 साल मैंने उनकी विधानसभा को नर्चर किया, उसमें काम किया, लोगों के साथ मिलके विकास योजनाओं को धरातल पर उतारा, और वहाँ से इंटरेस्ट जागा कि बहुत कुछ ऐसा है जो कर सकते हैं, बहुत कुछ ऐसा है जो उत्तराखंड में होना चाहिए, नहीं हो पाया है। तो वहाँ से राजनीति में इंटरेस्ट आया और सरकारी नौकरी से इस्तीफा दे के 2016 में 2017 में चुनाव लड़ गया। खेल और खिलाड़ी और दूसरी तरफ राजनीति, दोनों बिल्कुल डिफरेंट है। वहाँ टीम स्पिरिट होता है, यहाँ टीम स्पिरिट नहीं होता, ये होता है? नहीं, देखिए, खेल की वजह से मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला है, और जो पॉलिटिक्स में मैं आज के दिन में यूज़ भी कर रहा हूँ, अपना एक्सपीरियंस है। आप अच्छे दिन भी आते हैं, ख़राब दिन भी आते हैं, अच्छा फॉर्म भी होता है, ख़राब फॉर्म भी होता है। आप टीम स्पिरिट की बात कर रहे हैं, लेकिन मैं जिस गेम में था वो टीम स्पिरिट का था ही नहीं, वो इंडिविजुअल स्पोर्ट था। यू आर प्लेइंग अगेंस्ट योर सेल्फ, आप अपने खिलाफ खेल रहे हैं। एकला चलो रे, तो वो उससे पेशेंस बहुत चाहिए होती है गोल्फ में। वही आप राजनीति तो DNA में है ना, राजनीति तो ब्लड में ही, जैसे मेरे पिताजी कहते हैं, दादाजी से विरासत में। जी जी जी, जैसे पिताजी कहते हैं कि हम सबके ब्लड में राजनीति है, तो घूम फिर के हम लोग खींच के वहीं आएंगे। बुआ प्रोफेसर थी, छोड़ के पॉलिटिक्स में आ गई। पिताजी जज थे, छोड़ के पॉलिटिक्स में आ गए। मैं खिलाड़ी आदमी था, मैं छोड़ के पॉलिटिक्स में आया हूँ, तो वो ब्लड में है। और कहीं अच्छा भी है, दादाजी के पद चिन्हों पर चलने का मौका मिल रहा है। जिस प्रदेश की सेवा मेरे दादाजी ने करी, मेरे पिताजी ने करी, आज उसकी सेवा करने का मौका मिल रहा है। बिल्कुल, क्योंकि अपने आप में एक वो महानुभूति हैं और हर कोई उनको सचमुच नमन करता है। एक महत्वपूर्ण बात यहाँ पर ये हो जाती है, क्योंकि हमने ये जिक्र इसलिए किया, आप युवा हैं और उत्तराखंड की उम्मीदें आपसे दोगुनी हो जाती हैं, और जो विभाग आप संभाल रहे हैं वो विभाग बहुत खतरे की घंटी है, नहीं मानते आप? हर विभाग खतरे की घंटी होता है जी, परफॉर्मेंस आपको हर विभाग में देनी पड़ेगी, चाहे वो अच्छे से अच्छा विभाग हो चाहे खराब से खराब विभाग हो। एंड ऑफ द डे यू आर नोन विद योर परफॉर्मेंसेस। आपकी परफॉर्मेंस अच्छे होंगे तो खराब विभाग भी अच्छा हो सकता है, और आपकी परफॉर्मेंस खराब होंगे तो अच्छा विभाग भी खराब हो सकता है। तो मुझे अपने परफॉर्मेंस पे काम करना है। आपके पास विभाग हैं, पशुपालन विभाग भी आपके पास है, कहा जाता है उनकी जुबान नहीं होती, अपना दर्द बताएंगे कैसे आपको? और जिनके पास जो दर्द बता सकते हैं वो सही समय तक सही जगह पहुंच नहीं पाते हैं, तो चैलेंजिंग तो है आपके पास? चैलेंजिंग है सर, मेरा पशुपालन एक बहुत इम्पॉर्टेंट विभाग है उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य में अगर आप देखेंगे, क्योंकि हमारा जो पर्वतीय प्रदेश है,
हमारा जो इंटीरियर्स हैं, हमारा जो दूरस्थ क्षेत्र हैं, वहाँ पे रोजगार का एक बहुत बड़ा जरिया बन गया पशुपालन विभाग। और पलायन की जो सबसे बड़ी समस्या है हमारे, मैं ऐसी बताना चाह रहा था, देखिए पलायन की सबसे बड़ी समस्या है इस प्रदेश की, और आज से नहीं है, जब से प्रदेश बना है तब से ये पलायन और बेरोजगारी दो चीज़ें ऐसी हैं जो उत्तराखंड को हमेशा डिस्कशन में रही हैं। और मेरे पास जो विभाग हैं, चाहे वो पशुपालन हो, हम आपस में चर्चा भी यही कर रहे थे कि आपके जो विभाग है वो इतना बढ़िया है कि इससे आप पलायन भी रोक सकते हैं, अब पशुपालन की तरह के गाय का आप लोन दे के एक पशु को भी आप मतलब घर दे सकते हैं और वहाँ के रोजगार भी दे सकते हैं, सब तरह का एजेंडा भी पूरा जाता है। एजेंडा तो देखिए ठीक है, लेकिन मेरा खुद मानना ये, मैं हर भाषण में कहता हूँ कि मेरे को ऐसे विभाग दिए गए हैं कि मैं हर घर के किचन तक जा सकता हूँ, दूध में दूध मेरे पास है, चीनी भी मेरे पास है, और दोनों विभाग ऐसे हैं जो हर घर, चीनी में भी तराई तराई है, तराई क्या है बहुत एक, पहले मैं पशुपालन में डिस्कशन कर लें कि मुझे लगता है कि ऐसे विभाग हैं जिसमें हम दूरस्थ क्षेत्रों में अपने युवा साथियों को, अपनी मातृशक्ति को सशक्त भी कर सकते हैं, रोजगार से जोड़ सकते हैं और उनको पलायन की समस्या से दूर रख सकते हैं। आप नया क्या करेंगे सर? 13 जिलों की मैंने जीएम्स को यहाँ पे बुलाया था फेडरेशन के, और मैंने उनसे यही चर्चा करी कि हमारी सबसे बड़ी समस्या जो देखने को मिली, जो मेरी पहली दो समीक्षा बैठक विभाग की ली, कि जो हमारा युवा है वो दुग्ध फेडरेशन की तरफ, दुग्ध विकास की तरफ बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं दिखा रहा। और सही भी बात है, अगर हम 2022 में एक युवा को कहेंगे कि तुम गाय का दूध दो, तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि उसमें इंटरेस्ट नहीं रहेगा। तो मेरी अपनी सोच है कि हमको टेक्नोलॉजी के साथ चलना पड़ेगा, ऑटोमेटेड यूनिट्स हम अगर छोटी छोटी पहाड़ों में सेटअप करें तो हम युवाओं को अट्रैक्ट भी कर सकते हैं और उनको रोजगार से जोड़ भी सकते हैं, एक यही एक जरिया है। कैसे, कोई रोड मैप बनाया? हाँ, मैंने अपने अधिकारियों को इंस्ट्रक्शंस दिए हैं कि मुझे 15 दिन के अंदर एक पूरा रोड मैप बनाइए कि हम किस तरीके से टारगेट एरिया पे हम एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट उठाएंगे, एक दो पर्वतीय क्षेत्रों के, बहुत ज़्यादा पे स्प्रेड आउट नहीं करेंगे, एक या दो पहले उठाएंगे, उसमें हम समूह के माध्यम से या 4 लड़कों को या 5 लड़कों को ऑटोमेटेड यूनिट्स की तरफ प्रोत्साहित करके उनको हम जोड़ेंगे और उसके रिजल्ट्स देखेंगे कि अगर वो लड़के इंटरेस्ट दिखाते हैं, अगर वो ऑटोमेटेड यूनिट्स में उनको फ़ायदा होता है, तो आई एम श्योर वर्ड ऑफ माउथ इज़ द बिगेस्ट पब्लिसिटी आज के दिन। और स्टार्टिंग हमने पर्वतीय जिलों से इसलिए कर रहे हैं क्योंकि सबसे ज़्यादा समस्या वहाँ पर है, तराई में आदमी फिर भी दूध बहुत है, पशु बहुत हैं, लेकिन पर्वतीय क्षेत्र में थोड़ी सी समस्या है, तो हम उसको आज हमने अपने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि आप एक प्लान बनाइए और 15 दिन के अंदर रिवर्ट बैक करिए कि हम ऑटोमेटेड यूनिट्स किस जिले को उठाएंगे और कहाँ से शुरू करेंगे, ऑटोमेटेड यूनिट्स को कैसे सेटअप किया जाएगा। एक महत्वपूर्ण जो मुद्दा है, जो आपके पास खासतौर पर विभाग है, मैं चीनी पर रहूँगा, जिसका जिक्र आपने किया, आपकी मुस्कान बता रही है कि वहाँ चीनी तो है लेकिन कुछ कड़वाहट भी है, विषय बिल्कुल ये, क्योंकि चीनी मिले घाटे में बंद भी हुई और गन्ने का किसानों को भुगतान नहीं मिला, ये बहुत बड़ी चुनौती। देखिए कैसे पार पाएंगे, देखिए मैं जिस क्षेत्र से आता हूँ वो चीनी मिल से भी प्रभावित है और गन्ना किसानों से भी प्रभावित है। मैं सितारगंज विधानसभा में खुद की एक चीनी मिल थी और गन्ना किसान से प्रभावित क्षेत्र है। 17 में जब सरकार हमारी भारतीय जनता पार्टी की बनी तो वो इतने लॉसेज में थी चीनी मिल कि उसको बंद करना पड़ा, और लगातार 4.5 साल मैंने संघर्ष किया और मैंने उस चीनी मिल को वापस खुलवाया। ये एक अकेली ऐसी चीनी मिल है उत्तराखंड की जिसको सरकार ने बंद किया लेकिन सरकार ने वापस खोला। 2012 से 2015 के बीच में जब कांग्रेस की सरकार थी, बात कांग्रेस करती है, किसानों की बात करती है, किसान के हित की बात करती है, लेकिन 2012 से 17 के बीच में 2 चीनी मिलें उत्तराखंड की बंद हुई, काशीपुर और गदरपुर। उस वक्त तो आपके पिताजी मुख्यमंत्री थे जी, जो गदरपुर चीनी मिल 2015 में बंद हुई, मेरे पिताजी उस वक्त नहीं थे, माननीय पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत जी थे जी। और उसको आज तक रिवाइव नहीं किया गया, कांग्रेस की सरकार ने कभी भी उसको वापस खोलने की ना इच्छा शक्ति दिखाई ना कोई काम उस पर हुआ। उस पर तो अरविंद पांडे जी कहते हैं कि मैंने खुलवाई, कौन सी वाले, गदरपुर तो बंद आज भी बंद है जी, कहाँ काशीपुर भी बंद है। तो क्वेश्चन ये है कि मैंने उस चीनी मिल के लिए संघर्ष किया और वो सरकार ने खोली भी, और हमने इस पेराई सत्र में 18 लाख क्विंटल के आसपास वहाँ पे पेराई सत्र किया। अब आप चीनी मिल के आपने बोला कि सबसे बड़ी समस्या हमारी है लॉसेस, क्यों है? अगर आप उसके मूल जड़ पर जाएंगे, मैं आंकड़े देख रहा था सर, गन्ना किसानों का 231 करोड़ रुपया बकाया है और अकेले इकबालपुर चीनी मिल पर ही लगभग 180 करोड़ रुपए का। मैं आपको बता रहा हूँ, मैं आपको डिटेल में बता रहा हूँ जी। लॉसेस की पहले मैं आपने चर्चा करी, मैं आपको वो बता देता हूँ लॉसेस क्यों है। क्योंकि हमारी चीनी मिल इंस्टॉल्ड, अगर आप किच्छा की चीनी मिल देखेंगे तो 1962 की इंस्टॉल्ड है, सितारगंज चीनी मिल 1982 की इंस्टॉल्ड थी, वही हाल डोईवाला का है, वही बाजपुर का है, वही नायदेही का है,
जब आप 1962 और 1982 की टेक्नोलॉजी में 2022 में काम करेंगे तो यू आर बाउंड टू सफर लॉसेस। तो पूर्व की सरकारों ने ये क्यों नहीं सोचा? मैं आपको मैं उसी पे आऊँगा, मुझे 2 मिनट अगर आप समय दें। मॉडर्नाइजेशन अगर चीनी मिलों का नहीं होगा तो आप ना रिकवरी कर सकते हैं। आज जहाँ पे प्राइवेट चीनी मिल 14% तक की रिकवरी कर रही है, वहाँ पे हमारी सरकारी मिलें 8 से लेकर 10.5% तक सीमित हैं। जो बेस्ट चीनी मिल हमारी उत्तराखंड में रिकवरी दे रही है वो 10.5% दे रही है, वरना 8.5% भी दे रही है, कोई 9.5% दे रही है, कोई 9% दे रही है। ब्रेकडाउंस, बाजपुर की चीनी मिल में 800 घंटे ब्रेकडाउन था पिछले इस पराई सत्र में। चीनी मिल को अगर आप मॉडर्नाइज नहीं करेंगे, चीनी मिल को अगर आप एक्स्ट्रा सपोर्ट नहीं देंगे, देखिए जो बिजनेस चीनी मिल बिजनेस है क्या, साल के 5 महीना जी, नवंबर टू मार्च, अप्रैल मई मैक्स 5 महीना। जो बिजनेस 5 महीना चलेगा और 7 महीना बंद रहेगा वो प्रॉफिट कहाँ से देगा आपको? उसके लिए आपको उसको एक्स्ट्रा एडिशनल सपोर्ट देना पड़ेगा, चाहे आप एथेनॉल प्लांट के रूप में दीजिए, चाहे वाइनरी के रूप में दीजिए, चाहे पावर प्लांट के रूप में दीजिए। लेकिन जो बिजनेस 12 मंथ इन ईयर रनिंग बिजनेस रहेगा वही प्रॉफिट देगा। तो मेरी माननीय मुख्यमंत्री जी से बहुत स्पष्ट एक चर्चा हुई है, और अभी 2 दिन पहले हमारे माननीय बी एल संतोष जी ने भी ये सारे मंत्रीगण की मीटिंग ली, उसमें भी मैंने ये बात रखी कि अगर सरकार चीनी मिल चलाएगी तो सरकार चीनी मिल सुचारू रूप से चलानी चाहिए। और सुचारू रूप का मतलब ये है कि हम उसको मॉडर्नाइज भी करें, हम उसको एडिशनल सपोर्ट भी दें, और तब उसकी रिकवरीज बेटर होंगी, उसके ब्रेक डाउन बेटर होंगे। क्या 14 दिन में भुगतान करेगी आपकी सरकार? नहीं, मैं आपको उस भुगतान पे भी बता रहा हूँ। टोटल हमारा जो भुगतान था लगभग 500 करोड़ का भुगतान था, जिसमें सरकार ने ऑलरेडी 275 करोड़ का भुगतान कर दिया है, 225 करोड़ का। 14 दिन का है ना, शुगर कैन एक्ट कहता है कि हम 14 दिन में भुगतान करेंगे। मैं आपको वही स्थिति बता रहा हूँ कि हमने अभी तक सरकार ने 500 करोड़ में से 225 करोड़ का भुगतान कर दिया है जी। 50 करोड़ रुपये हमने पिछले इस हफ्ते में और भुगतान किया है, तो आज के दिन हमारी टोटल पेंडेंसी जो है वो लगभग 190 से 200 करोड़ की पेंडेंसी है। मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी से और माननीय हमारे वित्त मंत्री जी से और हमारे चीफ सेक्रेटरी तीनों से वार्ता करी है कि हमको 50 करोड़ की एक किस्त और रिलीज़ हुई है, इसी हफ्ते हुई है, जिसको हम और देने जा रहे हैं, तो हमारी टोटल पेंडेंसी लगभग 130-140 करोड़ के आसपास हो जाएगी अब वो 50 करोड़ देने के बाद। मेरा माननीय मुख्यमंत्री जी से यही निवेदन था, क्योंकि ये किसान का पेमेंट हमको देना ही देना है, इसको हम ना रोक सकते हैं ना बहुत ज़्यादा खींच सकते हैं। तो मैंने वित्त विभाग से निवेदन किया है कि आप हमको 200 करोड़ की एक किस्त एक साथ दे दीजिए, ताकि हम किसान का पूरी पेंडेंसी जो है किसान भाइयों की वो पूरा क्लियर कर दें, और जिसपे कि माननीय जो हमारे चीफ सेक्रेटरी संधू जी और हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत ही पॉजिटिव आउटलुक रहा है, और मुझे उम्मीद है कि बहुत जल्द हमको फाइनेंस डिपार्टमेंट वो पूरा एक किस्त जो है 200 करोड़ की या 190 करोड़ की जो भी एक्स फिगर है, आई एम नॉट गोइंग ऑन द फिगर, वो मुझे देगी हमारे डिपार्टमेंट को, ताकि हम किसान भाइयों का सारा पेमेंट। हमारा मोटिव दरअसल ये है कि किसानों को एक मैसेज देना है, आपकी जिम्मेदारी भी है। तो क्या 14 दिनों में हम मान ले कि सौरभ बावना जी करके दिखाएंगे, इतिहास रच देंगे? मैं देखिए कोई आपके चैनल पे कोई गलत स्टेटमेंट दे दूँ, कोई ऐसा होप दे दूँ, वो गलत है। मैंने अपने विभाग की तरफ से मैं किसान भाइयों को आश्वस्त कर रहा हूँ कि बहुत जल्द हम उनका जो बकाया है उसको क्लियर करें। चीनी मिल बंद नहीं होने देंगे? चीनी मिल तो कोई भी बंद नहीं हो रही, कौन सी बंद हुई है? नहीं, मैं कह रहा हूँ बंद नहीं होने देंगे ना। जरूर भी नहीं, मंत्री अगर मंत्री के रूप में ये कहूँ कि जिस विभाग का मैं मंत्रालय हूँ उसको मैं बंद करने जा रहा हूँ, तो ये कहाँ की समझदारी होगी मेरे लिए। सौरभ भाई, गोल्डन स्पून के साथ पैदा हुए आप, खेल भी आपने ऐसा चुना जैसे अमीरों का खेल माना जाता है, विभाग आपको दोनों ऐसे मिले कि जो बिल्कुल गरीब तबके के विभाग हैं, कैसे आप बैलेंस करोगे इन सब चीजों को? मतलब मेरा ये कहना है कि मतलब आपने कभी गरीबी तो देखी नहीं। गोल्डन स्पून तो नहीं कहूँगा मैं, क्योंकि सिर्फ गोल्फ में नहीं, मैं स्विमिंग में भी रिप्रेजेंट कर चुका हूँ। वो भी महंगा शौक है। हाँ, स्विमिंग तो जी आजकल सभी कहते हैं। नहीं नहीं, मैंने टेबल टेनिस में मैंने स्टेट, देखिए वो भी महंगा शौक है। नहीं तो जो गेम हमको स्कूल में अवेलेबल थे वही खेल रहे थे। मैं बोल रहा विभाग आप पे गरीबों वाले, गरीबों वाले कि आप, ये बहुत हार्ड स्टेटमेंट होगा कि गरीबों वाला, क्योंकि देखिए ऐसा नहीं है, बहुत बड़े बड़े फार्मर्स भी हैं जो एनिमल हस्बेंड्री का काम कर रहे हैं, बहुत बड़े फार्मर्स हैं जो आज दूध का काम कर रहे हैं, जो बहुत सक्षम परिवार हैं जो ये सारे काम कर रहे हैं। लेकिन यस, मैं ये मानता हूँ कि मेजॉरिटी वो लोग हैं जो बहुत वेल टू डू फैमिली से नहीं है, वो ये काम कर उसमें है। लेकिन ठीक है, मुझे भी एक एक्सपीरियंस है कि मैंने कभी पशुपालन मेरे कोई एक्सपर्टीज फील्ड नहीं है भाई। मैं आपको सच बताऊं, जब मैं पहली बार मुझे फ़ोन आया कि माननीय मुख्यमंत्री जी का कि आप कैबिनेट मंत्री बन रहे हैं, मुझे लगा स्पोर्ट्स तो मुझे पक्का ही मिलेगा, क्योंकि मैं उस विभाग से हूँ।
मैंने वो खेला है, 30 साल मैंने उस अपने लाइफ स्पोर्ट्स को दी है, लेकिन ये चैलेंज है, ठीक है, आई एम टेकिंग इट अप एज अ चैलेंज कि भाई ठीक है, मुझे पशुपालन में बहुत ज़्यादा नॉलेज नहीं है, बहुत ज़्यादा मेरा इंटरेस्ट की फील्ड नहीं थी, लेकिन येस आई एम वर्किंग हार्ड टूवर्ड्स इट। आप आज भी देख लीजिए, मैं 8:30 बजे रात तक अधिकारियों के साथ बैठा हूँ, तो इसीलिए बैठा हूँ कि मैं चाहता हूँ कि कुछ ऐसा नया हो कि जो ये कहा जाता है कि ये उन्हीं ये विभाग कोई लेना नहीं चाहता, तो अगली बार मैं चाहता हूँ कोई मंत्री बने तो सबसे पहले वो कहे भाई पशुपालन दे दो। मेरी कोशिश यही है, आई एम गोना गिव माई बेस्ट इन विद वॉट एवर फैसिलिटीज आई हैव, दैट इज़ माई मोटो। उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में एक बड़ा फर्क है, राजनाथ सिंह जी के बेटे सबसे ज़्यादा वोटों से जीतते हैं, मंत्री पद नहीं मिलता। यहाँ आप भी मुख्यमंत्री के बेटे, आपको मंत्री पद मिलता है, लकी मानते हो अपने आपको? देखिए लक तो बहुत मेजर रोल प्ले करती है आपकी लाइफ में, मेहनत जो मेहनत करेगा उसको कहीं ना कहीं लक भी साथ देती है, ये मैंने हमेशा अपना। तो वहाँ पर कुछ नाराजगी दिखती है, यहाँ पर कुछ प्यार दिखता है? नाराजगी क्यों, नाराजगी क्यों, देखिए संगठन के फैसले हैं, इसको बेस्ट एक संगठन एक्सप्लेन कर सकता है। हमारा देखिए संगठन, मैं तो धन्यवाद करूँगा भारतीय जनता पार्टी के संगठन का, जिन्होंने 37 साल की उम्र में मुझको पहली बार विधायक का टिकट दिया और मैं विधायक बन के मुझे मौका दिया इस प्रदेश और अपने सितारगंज की जनता की सेवा करने का। फिर मैं अपने आप को बहुत लकी मानता हूँ, बहुत लोग हैं जिनके टिकट कट गए थे, लेकिन मुझे फिर से मेरे संगठन ने और केंद्रीय नेतृत्व प्रदेश नेतृत्व ने मुझ पर भरोसा जताते हुए, मुझे लायक समझते हुए मुझे फिर 22 में सितारगंज को रिप्रेजेंट करने का मौका। तो आप आगे क्या चाहते हैं कि आपकी पहचान किस तरह से हो, बहुगुणा परिवार से या सौरभ का अकेले? देखिए मेरी बहुगुणा मेरी लेगेसी है ना, मैं उससे दूर भागना चाहूँगा ना मैं उससे हटना चाहूँगा, वो एक मेरे ऐसी लेगेसी है जिसको मैं विच आई फील प्राउड ऑफ। तो बहुगुणा कोई मेरे लिए टेंट नहीं है, बहुगुणा कोई मेरे लिए ऐसा नहीं जो कि मैं चाहते क्या मैं अपना, देखिए मैंने आपको बताया हर आदमी को हर फील्ड में अपना नाम कमाना चाहिए, उसका सम्मान होना चाहिए, उसका नाम होना चाहिए, उसकी इज्जत होना चाहिए, उसको लोग याद रखें। आज जब मैं 103rd जयंती बना रहा था दादाजी की, तो लोगों की आँखें नम थी, क्यों थी? क्योंकि एक सम्मान एक इज्जत थी उनके लिए, उन्होंने अपना नाम कमाया ना जिस भी फील्ड में रहे। खेलने का मन करता है आज भी? जरूर करता है, आज भी जब मैंने GTC से माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ हेलीकॉप्टर में हम लोग हरिद्वार गए थे जी। तो गोल्फ कोर्स पे ही लैंड किया वो हेलीकॉप्टर तो कभी कभी मन मुझे लगा क्योंकि कोई खेल रहा हो तो उससे रिक्वेस्ट कर लूंगा कि यार एक दो शॉट मारने दो भाई, तो अब खेलने का समय नहीं मिलता, नहीं मिल रहा है क्योंकि ऑब्वियसली स्पोर्ट्स होता तो ज्यादा मजा आता आपको। नहीं मेरी एक्सपर्टीज फील्ड थी, नहीं ऐसा नहीं है कि उसमें भी, आई एम श्योर कि रेखा आर्या जी उसमें बहुत अच्छा काम करेंगी, लेकिन यह है कि मुझे लगता था क्योंकि मैं स्पोर्ट्समैन रहा हूँ, मुझे कहीं ना कहीं लगता था कि एक पर्सनल सवाल, क्योंकि मुझे नहीं मालूम किसी ने पूछा या नहीं पूछा आपसे, आज भी क्या गाइडेंस मिलती है पिताजी से? जरूर, क्यों नहीं, मैं सबसे लेता हूँ, मैं पिताजी से, क्यों, जितने भी मेरे सीनियर्स हैं। डांट लगती है आज भी? डांट बड़ा थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग वर्ड हो जाएगा, लेकिन एडवाइस जरूर मिल जाती है। एडवाइस मतलब ये इतना इंटरफेरेंस मेरे फादर नहीं करते, हाँ ये जरूर है कि कहीं पे मुझे लगता है कि कहीं उनकी राय लेने की जरूरत है तो मैं जरूर उनसे डिस्कस। ऐसे फादर रोल में आप उनको देखते होंगे तो कभी ना, देखिए मैंने फादर के साथ काम किया है, 2 साल मुख्यमंत्री के रूप में उनके साथ काम किया है मैंने जब सितारगंज देख रहा था, और 5 साल उनकी विधायकी में मैंने उनके साथ काम किया है, तो उनसे सीखने को बहुत कुछ मिला है। मैं अपने दादाजी के साथ बहुत समय नहीं बिता पाया, मैं बहुत छोटा था जब उनकी डेथ हुई, तो मैंने अपने बुआ को काम करते हुए देखा है, अपने पिताजी को काम करते हुए देखा है और उनसे सीखा है, और अच्छी चीज़ें भी सीखी है और क्या कमियां थी वो भी देखी हैं। तो एक अच्छा आदमी वही होता है जो दूसरों की अच्छाई अडॉप्ट कर सके और उसको अपने जीवन में अडॉप्ट करके आगे बढ़ सके। तो मैं हर एक की अच्छाई को अडॉप्ट करने की कोशिश करता हूँ, सिर्फ पिताजी क्यों, पिताजी तो मुझे एडवाइस भी करते हैं, मुझे गाइड भी करते हैं और उनका अधिकार है। बिल्कुल, देखिए हमारे मैंने आज भी एक अपने जब दादाजी को हम लोग गए थे वहाँ पर उनकी जयंती पर, मैंने अपने भाषण में बोला कि मैंने अपने कमरे में हर मेरे चाहे सितारगंज का आवास हो चाहे मेरा देहरादून का हो चाहे मेरे दिल्ली का आवास हो, मेरे कमरे में दादाजी की फ़ोटो लगी है एकदम मेरे सामने, और मैंने आज भी भाषण में बोला कि मैं हर रात सोने से पहले एक बार ये ज़रूर देखता हूँ दादाजी की फ़ोटो को देख के, भैया आज कोई ऐसा काम तो नहीं किया जिससे दादाजी का नाम खराब हुआ। ये हर रात की मेरी वो है कि कोई आज ऐसा फैसला ना किया हो, कोई काम ना किया हो जिससे दादाजी की इज्जत या नाम पर कोई आ जाए। क्यों नहीं, क्योंकि उन्होंने एक सम्मान कमाया, लोगों का भरोसा है बहुगुणा नाम से, एक भरोसा है कि ये हेमती नंदन बहुगुणा जी का पोता है, ये उनके पद चिन्हों पर चलेगा और ये उनके नाम को आगे बढ़ाएगा और उनके सपने को पूरा करेगा। उत्तराखंड 2002 में ज़रूर बना होगा, नवंबर 2000 में, लेकिन उसकी नींव जब दादाजी उत्तराखंड यूपी के मुख्यमंत्री थे तब रखी गई थी, जब पर्वतीय मंत्रालय बना सेपरेट,
तो मैं उस प्रदेश की आज सेवा कर रहा हूँ, तो ये तो मेरा सौभाग्य है। एक और विभाग भी आपके पास, और वो सीधा उस पर निगरानी देश के प्रधानमंत्री की रहती है जी, और उसी का बजट लैप्स हो जाता है, क्या ये सही बात? अच्छी नहीं है, लैप्स किसी भी बजट का नहीं होना चाहिए, किसी भी विभाग का नहीं होना चाहिए। और अगर लैप्स हुआ है तो किस कारणों से हुआ है उसकी जड़ में, क्योंकि उस वक्त मैं इस विभाग का मंत्री नहीं था, तो ये तो। लेकिन पूर्व में जिनके पास मंत्रालय था वो भी कहते हैं कि मेरे पास तो बहुत भारी भरकम मंत्रालय थे, मैंने हर भार संभाला है, लेकिन वो इतना नहीं कर पाए, क्यों? मैं मुझे नहीं, हो सकता है कोविड वॉज वन ऑफ द रीजन्स, क्योंकि 2020-21 में कोविड पीक में था और पूरा देश और पूरा प्रदेश लॉकडाउन में था, तो हो सकता है दैट कुड बी द रीज़न, वो रीज़न हो सकता है कि वो बजट इसलिए लैप्स हो गया, क्योंकि पूरा जब प्रदेश लॉकडाउन में था तो आप ट्रेनिंग देंगे। आपने समीक्षा की नहीं? मैंने करी थी, तो मुझे कोविड एक बहुत बड़ा रीज़न बताया भी गया था कि भाई जब 2020 में पूरा उत्तराखंड लॉकडाउन में था तो आप किसको ट्रेनिंग देंगे, स्किल डेवलपमेंट से आप क्या करेंगे? लेकिन स्किल डेवलपमेंट से आप स्किल मैपिंग तो कर सकते हैं, क्या क्या हमारे राज्य ने की थी स्किल मैपिंग उत्तराखंड में उस दौर में? मैं आपको यही बता रहा हूँ कि हमने 2019 से 2021 के बीच में स्किल डेवलपमेंट के थ्रू 10,000 बच्चों को ट्रेनिंग दी है उत्तराखंड के जी। और थोड़ा सा मुझे अजीब भी लगा था, क्योंकि जब मैंने पूछा कि भाई 10,000 बच्चे ट्रेन हैं, इसमें से कितनों के जॉब्स लगे, कितनों को, मैं आपको, मैं वकील आदमी, मैं समझ गया हूँ आप क्या पूछोगे, तो मुझे भी थोड़ा सा अटपटा लगा, क्योंकि ये हमने जॉब्स तो दे, हमने ट्रेनिंग तो दे दी थी, लेकिन हमको ये फीडबैक नहीं था कि कितने लोग इसमें से एम्प्लॉय हो गए। ये सरकार के पास कोई, हमारे सरकार स्किल डेवलपमेंट विभाग के पास कोई आंकड़ा नहीं था, तो अजीब भी था, क्योंकि अगर हमने इतने लोगों को ट्रेनिंग दी है तो कहीं ना कहीं हमारे पास आपके नाम नंबर उनके पूरे डिटेल्स थे जी। तो इतना हमारे पास ज़रूर फीडबैक आना चाहिए था कि इनमें से 1,000 लड़के, 500 लड़के, 2,000 लड़के जितने भी थे वो कहीं लगे तो कहाँ लगे, ताकि ये सरकार की एक उपलब्धि होती कि हमने इतने लोगों के जॉब्स क्रिएट किए। तो मैंने जब ये देखा तो मुझे थोड़ा सा अजीब। क्या आपने स्किल मैपिंग करवाई अब तक? नहीं, मैंने ऑलरेडी अधिकारियों को बोल दिया है कि आप मुझे स्किल मैपिंग करके पूरे उत्तराखंड का आप मुझे डेटा प्रोवाइड कराइए। अभी तक हम, मतलब आपको लगता बहुत डिले हो गया मामला स्किल मैपिंग के तौर पर? देखिए, पहले उत्तर प्रदेश ने कोविड के वक्त ही ये सब चीज़ें शुरू कर दी। नहीं, तो जरूर डिले हुआ है, लेकिन देखिए प्रॉब्लम क्या है, मेरी प्राथमिकता क्या है, मेरी प्राथमिकता ये है कि पहले जो हमारे 10,000 बच्चे स्किल्ड हैं उनको मैं जॉब प्रोवाइड कराऊँ, ये मेरी प्राथमिकता है। और अगर उस पर मैं स्किल मैपिंग तो अधिकारी करेंगे, मेरा मकसद ये है कि मैं डिपार्टमेंट, अब मैंने होटल एसोसिएशन से बात करी, मैंने एक MOU साइन करने के लिए उनको ऑलरेडी ड्राफ्ट बना के भेज दिया, जिसमें हमने स्पष्ट रूप से उनको पूरे 10,000 बच्चों की लिस्ट प्रोवाइड कराई, उनको ये बोला कि भाई ये ज़िला है, ये बच्चे हैं, ये उनके फ़ोन नंबर हैं, आप इनसे कॉन्टैक्ट करिए। MOU में साफ साफ लिखा गया कि आप 6 महीने के लिए इनको एम्प्लॉय करेंगे, इनकी इतनी स्टाइपेंड कंपलसरी आप देंगे, और उसके बाद अगर वो बच्चे और एम्प्लॉयर के बीच में अगर रिलेशन अच्छे होते हैं तो वो अपना जॉब कंटिन्यू करेगा। एक 6 महीने की स्टेबिलिटी हम उस बच्चे को देना चाह रहे हैं, एक उसको एक जॉब क्रिएशन के रूप में उसको हम एक अपॉर्चुनिटी देना चाह रहे हैं, ये मेरी प्राथमिकता थी। और जो मैपिंग की आप बात कर रहे हैं, वो ज़रूर मैंने अधिकारियों से बात करी कि मुझे भाई आप पूरे उसका, क्योंकि देखिए मेरे पास 4-5 विभाग हैं, एक नहीं है, 5 विभाग हैं, और मुझे 5ों की समीक्षा बैठकें करनी पड़ रही हैं, 5ों में कोऑर्डिनेशन करना पड़ रहा है, मेरे लिए नया काम भी है, और तो मैं थोड़ा सा यूज्ड टू भी हो रहा हूँ अब काम के, पहले एक विधानसभा थी, आज 70 विधानसभाओं का भार है। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात कही आपने, लेकिन क्या एक टारगेट फिक्स किया है कि 6 महीने में मैं इतना रोजगार देकर दिखाऊंगा? एक उदाहरण पूरे उत्तराखंड के सामने नजीर हो। देखिए, मैं पूरी कोशिश यही कर रहा हूँ कि फोकस, मैंने आपको सबसे पहला स्टेटमेंट यही बोला कि फोकस हमारा इन विभागों से रोजगार है, फोकस हमारा इन विभागों से हमारी मातृशक्ति और युवा शक्ति को रोजगार से जोड़ना है। टारगेट तो आपने बनाया। देखिए, टारगेट आप कब बनाएंगे? जब हम पहले पॉलिसी बनाएंगे, राइट? अगर आज मुझे को ये कहा जा रहा है कि मिल्क प्रोडक्शन के लिए, मिल्क जो हमारा दुग्ध फेडरेशन है, वो मुझे ये कह रहा है कि युवा हमारे में इंटरेस्टेड ही नहीं है, तो पहले तो मुझे वो इंटरेस्ट पैदा करना है ना। क्वेश्चन मैं आपको आज कह दूँ कि मैं दुग्ध में 1,000 बच्चों को नौकरी दूंगा, लेकिन जब वो नौकरी दुग्ध में इंटरेस्ट ही नहीं दिखा रहे तो नौकरी कहाँ से दे दूंगा? I have to take every step. I have to take a step first, plan a step, then take it and then cross it. तो पहले प्लानिंग करेंगे हम, कोई इतनी जल्दी मुझे जल्दबाजी नहीं है कि मैं बड़े बड़े स्टेटमेंट दे दूँ, बड़े बड़े वादे कर दूँ, बड़े बड़े अपने आप को अच्छा दिखाने के लिए TV पे मैं घोषित कर दूँ। मैं देखिए जी, बहुत प्रैक्टिकल व्यक्ति हूँ, मैंने पहला स्टेप लिया है, मैंने प्लानिंग कराई है, मैं उस सेकेंड स्टेप लूँगा जिसमें कि मैं उस प्लानिंग को एग्जीक्यूट करूँगा और उसका रिजल्ट आपको दिखेगा, चाहे उसमें 1 महीना लगे, चाहे 2 महीना लगे, चाहे 6 महीना लगे, लेकिन ये जरूर है कि आपको इन विभागों में रिजल्ट जरूर दिखेगा। रिजल्ट दिखेगा।
आप पॉलिटिकल सवाल पूछने की इजाजत है? अभी अभी तक सारे लोग पॉलिटिकल ही थे। अभी तो सिर्फ विभाग के थे, आप पॉलिटिकल सवाल। मुख्यमंत्री की चुनाव लड़ने जा रहे हैं, आपको लगता है आसानी से जीत जाएंगे? मेरा मानना यह है कि वो बहुत बड़ी मेजोरिटी से चुनाव 100% माननीय पुष्कर सिंह धामी जी मैक्सिमम वोटों से जीतेंगे। उत्तराखंड में आज से सबसे बड़ी जीत वही होगी। उनके जाने का मलाल है आपको? नहीं, देखिए कोई भी साथी छोड़ के कभी भी किसी को जाता है तो मलाल होता है। सीनियर आदमी है, उत्तराखंड की उत्तराखंड सरकार में रहे, उत्तराखंड की उन्होंने बहुत सेवा करी है, एक प्रतिष्ठित नाम है। अगर कोई जाता है छोड़ के तो दुख तो होता ही है। नहीं, वो तो बोगना जी कैंप के माने जाते हैं ना, उनको क्या बोगना जी ने मनाया नहीं था? देखिए अब मैं उस पर डिटेल में नहीं जाऊँगा, लेकिन मैं ये ज़रूर कहूँगा कि देखिए हर आदमी स्वतंत्र है, लोकतंत्र है, अपना फैसला लेने के लिए स्वतंत्र है। उन्होंने अपना फैसला लिया, उसके प्रोज एंड कॉन्स उनको दिखे, और जहाँ तक उनके साथ, मैंने उनके साथ बहुत काम किया है, उनके साथ भी सीखने को बहुत कुछ मिला। मैं ये नहीं कहूँगा कि भाई सभी कुछ गलत था, कुछ अच्छे काम भी मैंने उनके साथ, कोशिश तो की होगी उन्होंने, ज़रूर की होगी। फादर और उनके बीच की बात है, उसमें मैं मेरा कोई बहुत ज़्यादा इंटरफेरेंस नहीं था, तो मैं उस पर कमेंट भी नहीं करूँगा। अच्छा, एक चलते चलते खट्टा सवाल पूछता हूँ मैं आपसे, बहुत सारी मीठी बातें होगी। आपके कॉम्पिटिटर आप ही की विधानसभा क्षेत्र से नारायण पाल, और उन्होंने ये आरोप लगाया कि वो पूछिएगा कि सौरभ जी से कि किरण मंडल का यूज एंड थ्रो क्यों किया। कैसे मैंने आप नारायण पाल को भी सीरियसली ले रहे हैं तो मैं क्या बोल सकता हूँ? यूज एंड थ्रो कैसे किया, मैं आपसे यही पूछना, मैं कैसे हुआ यूज एंड थ्रो? भाई उनको पिताजी ने तो वो कुमाऊँ विकास मंडल के कैबिनेट मंत्री दर्ज पे वो राज्य मंत्री बन के रहे, 5 साल बन के रहे, तो थ्रो कैसे किया हमने? देखिए उन्होंने पिताजी के लिए सैक्रीफाइस किया, सैक्रीफाइस एक शर्त पर किया था कि सितारगंज का विकास होना चाहिए, यही उनकी शर्त थी। सितारगंज विधानसभा की बात करूंगा मैं, वो शक्ति फार्म के नेता नहीं थे, वो सितारगंज विधानसभा के नेता थे, लेकिन डिमांड वो भी। मैं आपको ये बता रहा हूँ, वो सितारगंज विधानसभा से चुने गए थे, उनकी यही शर्त थी पिताजी के सामने कि मेरा, और उस वक्त का जो डेटा है मुझे अप्रॉक्सीमेट मुझे याद है कि 70 विधानसभाओं में जो प्लानिंग कमीशन का डेटा था उसमें सितारगंज लगभग 63rd नंबर पर था ऑन बैकवर्डनेस। तो किरण मंडल जी का एक ही शर्त थी पिताजी से इस्तीफा देने से पहले कि आप सितारगंज विधानसभा का विकास करेंगे। कुछ उनके शक्ति फार्म के मुद्दे थे जी, कुछ उनके विधानसभा के मुद्दे थे, उस पर उनका इस्तीफा हुआ, पिताजी ने चुनाव लड़ा। और मैं आपको कुछ ब्रॉड बेस बातें बताऊंगा। ठीक है, वो KNVN के वो कैबिनेट मंत्री दर्जा मिला उनको, वो 5 साल मंत्री बन के रहे, तो धोखे की बात तो बहुत दूर की बात है क्योंकि 5 साल पिताजी ने उनको मंत्री बना के रखा था वहाँ पर। दूसरी सबसे बड़ी बात, जब हम सितारगंज में गए थे तो सबसे बड़ा मुद्दा जो माननीय किरण मंडल जी ने उठाया था वो था भूमिधरी का मुद्दा जी। वो पिताजी ने अपने कार्यकाल में करके दिया। दूसरा उनका सबसे बड़ी मांग थी सिरसा रोड, जो मैंने अपने कार्यकाल में बना के दी। तीसरा उनका सबसे बड़ा मुद्दा था सुखी नदी का पुल। ये सारी वो डिमांड्स हैं जो 60 साल से पूरी नहीं हुई थी, वो मैंने अपने कार्यकाल में बना के दिया। चौथा उनका सबसे बड़ा मुद्दा था डिग्री कॉलेज, सितारगंज में डिग्री कॉलेज नहीं था, हमारे यहाँ के बच्चे हल्द्वानी, खटीमा और रुद्रपुर जाते थे, आज सितारगंज में डिग्री कॉलेज है। 2014 में पिताजी के टाइम पे स्वीकृत हुआ, पिताजी के टाइम पे उसकी काम शुरू हुआ, 14 में वो इन्फोर्स हुआ। 1600 बच्चे आज हमारे विधानसभा के उस डिग्री कॉलेज में पढ़ रहे हैं। सितारगंज में पॉलिटेक्निक कॉलेज नहीं था, पॉलिटेक्निक कॉलेज है। सितारगंज में ITI कॉलेज नहीं था, ITI कॉलेज है। सितारगंज में अल्पसंख्यक ITI कॉलेज नहीं था, आज अल्पसंख्यक ITI कॉलेज है। सितारगंज में बस अड्डा नहीं था, आज बस अड्डा है। सितारगंज में जब 2012 में पिताजी चुनाव लड़े थे तो एक डॉक्टर था, आज 9 डॉक्टर कार्यरत हैं। सितारगंज में एक्सरे मशीन नहीं थी, आज एक्सरे मशीन है। सितारगंज में हमारे CHC और PHC को 9 करोड़ रुपये, 5 करोड़ रुपये से हमारे CHC को और 90 लाख रुपये से हमारे PHC शक्ति फार्म को प्राइवेट कंपनियों को गोद दिला के हमने उसकी कायाकल्प कराई। तो और आप विकास किसको मानोगे? अब तो 70 सीटें हैं आपके पास। ठीक है, जिम्मेदारी बढ़ी है तो क्षमता भी बढ़ेगी, आप क्यों चिंता कर रहे हैं? जैसे 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 जिम्मेदारी बढ़ती है आदमी का आउटपुट भी वैसे ही बढ़ता है। चलिए, बोलना नहीं चाहिए लेकिन ऑन कैमरा हम बोल देते हैं, आज लग रहा है कि तुलना नहीं है लेकिन फिर भी हेमवती नंदन बोगरा की छवि दिखाई। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आई होप कि उनका 10% मेरे अंदर आ जाए तो बहुत बड़ी बात होगी। नहीं, बहुत अच्छा लग रहा है आपसे बात करके, और बिल्कुल ऐसा राजनीति में अगर आप जैसे कुछ लोग और आ जाएं तो शायद राजनीति बदल जाए, और पढ़े लिखे लोग होने बहुत ज़रूरी है ताकि युवाओं की बात समझ पाएँ, और जो स्किल डेवलपमेंट की बात कर रहे हो तभी हो पाएगा जब आपकी सोच उस तरह की होगी। तो ये थे हमारे साथ मंत्री सौरभ बोगरा, जिन्होंने बेबाक अंदाज से अपनी बात को रखा, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह कि किस तरह से युवाओं को रोजगार देंगे इसका रोड मैप तैयार करें। लेकिन बहुत बड़ी बात यह कि इन्होंने कहा मैं कोई कमिटमेंट नहीं करूंगा, जब करके दिखाऊंगा वही मेरी कमिटमेंट होगी।
चलिए अब देखते हैं कि आखिरकार सौरभ बगुड़ा अपने वादों को कैसे पूरा करते हैं। लेकिन यहाँ ये जरूर है कि संकेत जरूर दे दिया कि उत्तराखंड के लिए उनके पास रोड मैप है। फिलहाल मुझे और मेरे सहयोगी हरीश अस्वाल को दीजिए इजाजत, अगली बार होगी एक नई शख्सियत से मुलाकात। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड। गोल्डन स्पून के साथ पैदा हुए हैं, खेल भी आपने ऐसा चुना जैसे अमीरों का खेल माना जाता है, विभाग आपको दोनों ऐसे मिले कि जो बिल्कुल गरीब तबके के विभाग हैं, कैसे आप बैलेंस करोगे इन सब चीजों को? ये चैलेंज है, ठीक है, आई एम टेकिंग इट अप एज अ चैलेंज कि भाई ठीक है, मुझे पशुपालन में बहुत ज़्यादा नॉलेज नहीं है, बहुत ज़्यादा मेरा इंटरेस्ट की फील्ड नहीं थी, लेकिन यस आई एम वर्किंग हार्ड टुवर्ड्स इट। मैं आंकड़े देख रहा था, गन्ना किसानों का 221 करोड़ रुपया बकाया है, अकेले इकबालपुर चीनी मिल पर ही लगभग 180 करोड़ रुपए का। मैं आपको बता रहा हूँ, क्या 14 दिन में भुगतान करेंगे आपकी सरकार? नहीं, मैं आपको उस भुगतान पे भी बता रहा हूँ। क्या 14 दिनों में हम मान ले कि सौरभ बगुड़ा जी करके दिखाएंगे, इतिहास रच देंगे? मैं देखिए, कोई आप आपके चैनल पे कोई गलत स्टेटमेंट दे दूँ, कोई ऐसा होप दे दूँ, वो गलत है।